दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश का आप विधायकों पर बदसलूकी का आरोप। सीएम आवास पर मीटिंग के दौरान विधायकों और चीफ सेक्रेटरी के बीच हुई थी नोकझोंक। दिल्ली सरकार ने आरोपों का किया खंडन। बदसलूकी के आरोप में घिरे आप विधायकों प्रकाश जारवाल, अमानतुल्ला खान और अजय दत्त की गिरफ्तारी की मांग तेज। कार्रवाई की मांग को लेकर हड़ताल पर गई आईएएस एसोसिएशन। एलजी अनिल बैजल से की मुलाकात। पार्टी विधायकों की बदतमीजी को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने घटना को बताया शर्मनाक। सीएम से मांगा इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीएनबी महाघोटाला। जनहित याचिका पर 23 फरवरी को सुनवाई करेगा कोर्ट। रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी के मामले को लेकर भी एक पीआईएल दाखिल। पीएनबी महाघोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की सीनाजोरी। चिट्ठी लिखकर कहा बैंक प्रबंधन मामले को तूल देकर ऋण वापसी के सभी रास्तों को किया बंद। जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने बिजनेस को किया चौपट। 3,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के आरोप में घिरे रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी से पूछताछ जारी। सीबीआई ने कोठारी के 11 बैंक खाते किए सील। महाघोटाले को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का पीएम मोदी पर वार। कार्टून जारी कर कहा नोटबंदी के दौरान लोगों का पैसा जुटाकर माल्या और नीरव मोदी को दिया। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने महाघोटाले पर पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा वित्त मंत्री से रक्षा मंत्री तक सब बोल रहे हैं, जिन्हें बोलना चाहिए वो चुप क्यों हैं? आंध्र प्रदेश की अनदेखी पर टीडीपी और केंद्र में तकरार जारी। टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने कहा लड़ाई रखेंगे जारी, सरकार के खिलाफ अभी नहीं लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। मेघालय के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। 27 फरवरी को मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। 3 मार्च को घोषित होंगे नतीजे। इंटरनेट सेंसेशन बनी मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश की अर्जी पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अपने खिलाफ एफआईआर खारिज करने की है मांग। रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी। मध्यम दूरी की परमाणु क्षमता संपन्न मिसाइल अग्नि 2 का सफल परीक्षण। 2000 किलोमीटर तक कर सकती है मार। जापान दौरे पर गए बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। कहा 8 साल पहले कहा था ले गई दिल गुड़िया जापान की। लगता है नीतीश चच्चा लव इन टोक्यो कर रहे हैं। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 15,000 के इनामी 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश भागने में कामयाब। मध्य प्रदेश में मुंगावली विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज। 3,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी होंगे ड्यूटी पर तैनात। 24 फरवरी को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के मुंगावली क्षेत्र जिला कलेक्टर बीएएस जामोद को हटाने का दिया निर्देश। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में धांधली का लगाया था आरोप। कांग्रेस की शिकायत पर आयोग ने सुनाया फैसला। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अमेरिका पर लगाया बड़ा आरोप। दक्षिण कोरिया से हमारा संबंध बिगाड़ रहा है अमेरिका। भूटान के विदेश मंत्री आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। डोकलाम पर चीन के दावे के बीच हो सकती है विवाद पर चर्चा। असम टूरिज्म के कैलेंडर की एक तस्वीर को लेकर घिनी प्रियंका चोपड़ा। कांग्रेस ने जताया एतराज। कहा तस्वीर में प्रियंका के कपड़े असमिया संस्कृति के खिलाफ। और हट जाताऊ गाने पर ठुमके लगाकर कानूनी पचड़े में फंसी डांसर सपना चौधरी। हरियाणवी गायक विकास कुमार ने सपना चौधरी समेत फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को भेजा 7 करोड़ का लीगल नोटिस। कॉपीराइट का है मामला।